हेलो स्टूडेंट्स लेट्स सी द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज व्हिच कंसंट्रेशन टर्म इज एक्सप्रेसड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं सॉल्यूट का वॉल्यूम और 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ही कहा गया है तो ऑप्शन को समझते हैं मास परसेंट मास परसेंट यानी हमें यहाँ पे सॉल्यूट का भी मास लेना पड़ेगा और सल्यूशन इसका भी मास ही लेना पड़ेगा तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये मास परसेंट नहीं हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम दिए गए हैं तो मास परसेंट इज इन करेक्ट ऑप्शन वॉल्यूम परसेंट अब देखो परसेंट का मतलब क्या है परसेंट मतलब पर हंड्रेड तो प्रति सौ में से कितना तो क्वेश्चन में वही लिखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर हंड्रेड मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशन तो इस तरीके से अगर देखें तो वॉल्यूम परसेंट में जहां हमें दोनों का ही वॉल्यूम चाहिए वी इज द करेक्ट ऑप्शन लेकिन फिर भी हम सी एंड डी को देख लेंगे सी में क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंट यानी हमें न्यूमिनेटर में मास ऑफ द सॉल्यूट लेना है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेना है जो कि क्वेश्चन में नहीं है सो सी इज़ द इन करेक्ट ऑप्शन डी में क्या है पार्ट्स पार मिलियन अब पार्ट्स पार मिलियन को अगर हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से भी अगर कहें तो इस तरीके का होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टेन टू द पावर सिक्स यहां हंड्रेड नहीं है टेन टू पावर सिक्स है अगर पीपीएम का हम कहें तो दैट इज वाई डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज पी ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच